कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल पंजाब में चल रही है। इस दौरान राहुल गांधी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। यहाँ वे टी शर्ट के साथ साथ सिर पर केसरिया पगड़ी पहने नजर आए। इसी दौरान उनसे मात्र कुछ ही दूरी पर एक शख्स दिखाई दिया। ये शख्स काफी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि इस शख्स ने कड़ाके की ठंड में भी कपड़े नहीं पहने, सिर्फ एक पैंट पहनी है। भीड़ से एकदम अलग चल रहे इस शख्स पर बार बार नजर पड़ी। ये अपने ही टशन में चला जा रहा था। शायद ये बंदा राहुल गांधी की टी शर्ट को टक्कर देना चाहता था। इस चक्कर में इसने अपनी शर्ट ही उतार दी। ये बंदा कौन है, कहां से आया, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। इसी वीडियो को जब जूम किया गया तो थोड़ी ही दूर राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं, जो कि दो शख्स के हाथ पकड़े हुए हैं और सिर पर केसरिया पगड़ी है। आज भी वे सफेद टी शर्ट में चल रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी ने कई लोगों को घरों में कैद होने को मजबूर कर दिया है। ऐसे में राहुल गांधी की टी शर्ट की खूब चर्चा हो रही है। राहुल गांधी पंजाब के स्वर्ण मंदिर में भी नजर आए थे। यहाँ केसरिया पगड़ी पहनकर स्वर्ण मंदिर पहुंचे और माथा टेका। राहुल गांधी ने इस दौरान प्रसाद भी चखा, यहाँ गुरबाणी सुनी। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के कई नेता नजर आए थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।